आईपीएल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड इस दिशा में काम कर रही है और प्लान को धरातल पर उतारने की कवायद भी शुरू हो गई है। इस लीग का आयोजन सीनियर पुरुष और महिला वर्ग में कराया जाएगा। खास बात यह है कि इस लीग में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर ही बीसीसीआई की आगामी प्रतियोगिताओं के लिए सीएयू की टीमों का चयन किया जाएगा। इस लीग में राज्य के सभी 13 जिलों से एक एक टीम प्रतिभाग करेगी। लीग का आयोजन इसी वर्ष सितंबर में होने की संभावना है। नैनीताल जिले में भी यूपीएल के आयोजन को लेकर खिलाड़ी व एसोसिएशन उत्साहित है। टीसीएम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के सदस्यों के साथ प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को बढ़ावा देने को लेकर वार्ता हुई है। एसोसिएशन कंपनी के प्रस्तावों पर विमर्श कर रही है। सबसे पहले सीनियर पुरुष व महिला वर्ग में टी20 लीग कराने की तैयारी है। जल्द ही उत्तराखंड प्रीमियर लीग का खाका तैयार कर लिया जाएगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सचिव महिम वर्मा ने बताया कि टीसीएम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी बंगाल, पुडुचेरी और बड़ौदा में क्रिकेट लीग आयोजित करा चुकी है। ऐसे में सीएयू कंपनी से समझौता कर उनके अनुभव का लाभ प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए करेगी। तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो किस तरीके से देखते हैं? यूपीएल होने से हर जिले में एक खिलाड़ियों को, जो भी हमारे खिलाड़ी हैं डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, उनको नया प्लेटफार्म मिलेगा और आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया कदम ऐसे ही होगा। और मेरा ये मानना है कि खिलाड़ी नैनीताल जिले से काफ़ी इस टाइम हमारे उत्तराखंड से नैनीताल जिले से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो ये और अच्छा मौका मिलेगा। और हमारा ये प्रयास रहेगा, हम सीयू को भी अपने माध्यम से बताना चाहते हैं कि वे कुछ मैच यूपीएल के हमारे कुमाऊं क्षेत्र में भी कराएं, जैसे हल्द्वानी है, काशीपुर है, यहाँ आयोजन हो सकता है। मैं इसके लिए सीयू को शुभकामना देता हूँ कि उनका एक अच्छा प्रयास है और जल्दी ही इस पर वो अगला कदम उठाएंगे। सर, जैसे कि नैनीताल की जो क्रिकेट है अधिकतर हल्द्वानी तक ही सीमित रहती है, उस तरीके से पहाड़ों को क्रिकेट किस तरीके से आगे बढ़े? पहाड़ों को बढ़ाने के लिए पहाड़ों का निरंतर हमारा प्रयास है। चंपावत में जैसे जिले में 2 ग्राउंड हैं और बागेश्वर में नया मैदान की तलाश चल रही है, और जल्दी ही हमारे अभी बीसीसीआई ने एक उत्तराखंड क्रिकेट सीयू को बजट आवंटन किया है। तो मेरा प्रयास यह है कि हमारे प्रदेश पदाधिकारियों से कि वे इस कदम में पहाड़ों के लिए, चाहे वो गढ़वाल क्षेत्र हो या कुमाऊँ क्षेत्र हो, उसमें एक मैदान को खोजने का काम करेंगे, मैदान वो करेंगे, जो पहाड़ की हमारी प्रतिभा है उनका पलायन ना हो, वो यहीं रह के अपना अभ्यास करें और आगे बढ़ें। यूपीएल में महिला क्रिकेट का भी नाम दिया जा रहा है, तो उसको किस तरीके से? महिला क्रिकेट भी बहुत अच्छा प्रयास है, महिला हमारी निरंतर अच्छा प्रयास कर रही हैं। उत्तराखंड की टीम अभी अंडर 19 ने अच्छा खेला और आगे बढ़े, और सीनियर टीम भी एक मैच जीती और काफ़ी अच्छा प्रयास है, क्योंकि 2 साल में अगर महिला टीम आगे बढ़ रही है 2-3 साल में, तो ये सीयू का बहुत बड़ा कदम है। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और यूपीएल खेलने से महिला क्रिकेट को काफ़ी आगे बढ़ावा मिलेगा। मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि वे जिले में कैंप लगाकर खिलाड़ी महिला खिलाड़ी को छाटने का, वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे।